हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का पैटर्न देखिए, ये मल्टी कलर पैटर्न है, बच्चों के स्वेटर में बनाएं या फिर लेडीज़ स्वेटर में, बहुत सुंदर बन करके आएगा। आप चाहें तो इसे सिर्फ एक कलर से भी बना सकती हैं। यहाँ पर मेरे पास चूँकि थोड़े थोड़े से ऊन बचे हुए थे, तो मैंने सारे ऊन यूज़ कर लिए हैं। आप चाहें तो ये जो लीफ है, ये सिर्फ एक कलर से ही पूरा बनाएं और एक बेस कलर में, क्रीम कलर या वाइट कलर को बेस देने से बाकी कलर जो है वो उभर कर आते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 4 के मल्टीपल में फंदे डालने होते हैं और 2 फंदा हम एक्स्ट्रा लेते हैं एज ए एज स्टिच सेट करने के लिए। 4 लाइन में देखिए, एक कलर के साथ पैटर्न कंप्लीट होता है और अगले 4 लाइन में हम एक नए कलर के साथ पैटर्न को नए जगह पे सेट करते हैं। तो आप इसे 4+4 8 रो रिपीट पैटर्न बोल सकती हैं। चलिए, पैटर्न बनाने से पहले आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। तो चलिए, आज हम मिलकर इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। पैटर्न को बनाने के लिए हमने 4 के मल्टीपल में 20 फंदे लिए हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा एज एज स्टिच सेट करने के लिए, दोनों तरफ एक एक। पैटर्न हमारा 20 फंदों पे बनेगा और एक एक फंदा हम दोनों तरफ एज एज स्टिच सेट करेंगे। पैटर्न बनाने से पहले आप अपने पसंद का कोई भी बॉर्डर बना लें प्राइमरी कलर से। यहाँ पर मैंने देखिए क्रीम कलर को एज ए प्राइमरी कलर सेट किया और इसमें मैंने ये पिंक कलर का ऊन जोड़ रखा है। अब हम पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। पहली लाइन हमारी राइट साइड की होगी, पहला फंदा हमारा एज स्टिच, एक फंदा सीधा, ये एक एज स्टिच, एक फंदा सीधा। इस एक फंदे में हम अब देखिए पिंक कलर से बुनाई करेंगे। एक, दो, तीन, तीन फंदे हमने निकाल लिए। एक और फंदे में सेम इसी तरह से तीन फंदे निकालेंगे। एक, दो, तीन, दो लगातार फंदों में हमने तीन तीन फंदे निकाले, एक फंदा सीधा क्रीम कलर से। उन अपनी तरफ 4 उल्टे फंदे, एक, दो, तीन, 4, फिर से उन पीछे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू हो जाएगा। एक सीधा, इस एक फंदे में हमने पिंक कलर से तीन फंदे निकालना है, एक, दो, तीन, फिर से एक फंदे में और निकालेंगे तीन फंदे, तीन, ये फंदा सीधा और 4 फंदे उल्टे। उन पीछे की तरफ एक फंदा सीधा और फिर से इन 2 फंदों में तीन तीन फंदा निकालेंगे पिंक कलर से, एक, दो, तीन, एक और फंदे में निकाल लेते हैं। और ये जो फंदे हमने लेने हैं, ये थोड़े से लूज़ लूज़ लेंगे, ये देखिए ये टाइट बिल्कुल नहीं है। ये फंदा सीधा और ये हमारा एज स्टिच। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो हमारी रॉन्ग साइड की है। पहला फंदा हम, आप चाहें तो इसे बुन भी ले सकती हैं या फिर बिना बुने स्लिप भी कर सकती हैं। उल्टा फंदा बुनेंगे सारे क्रीम कलर के फंदों को और इन फंदों को बिना बुने हुए दाहिनी सिलाई पर डालते जाएंगे। सारे फंदे उल्टे उल्टे, फिर से ये पिंक फंदे बिना बुने हुए उतार लेंगे और क्रीम फंदों को उल्टा बुन लेंगे। फिर से पिंक फंदों को बिना बुने उतारेंगे और ये फंदे बुन लेंगे। सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए थर्ड रो में हमें क्या करना है।
थर्ड रो हमारी क्रीम कलर से बुनी जाएगी। पहला फंदा एज स्टिच, ये तीन फंदों को आगे ले आएंगे इस एक फंदे के साथ ट्विस्ट करके इस तरह से ऐसे। अब इन तीन फंदों को एक साथ बुन लेंगे और ये फंदा सीधा। सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस करना है, इस फंदे को आगे कर लेंगे और ये तीन फंदे पीछे चले जाएंगे। ये फंदा सिंगल बुना जाएगा और ये तीनों फंदे एक साथ, बीच के चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, फिर से उन पीछे। ये तीन फंदे हमने आगे कर लेने हैं और इस एक फंदे को पीछे ऐसे, तीनों फंदे एक साथ और ये फंदा सिंगल। एक फंदा ये है, इसे हम आगे करेंगे और ये तीन फंदे पीछे सीधा बुनेंगे और इन तीनों को एक साथ बैक लूप से। ये बीच के चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, तीन फंदे और ये एक फंदा, ये तीनों फंदे एक साथ और ये सिंगल फंदा। फिर से ही देखिए, इस वाले फंदे को पहले कर लेंगे पीछे की तरफ से और ये तीन फंदे इस तरफ, ये फंदा अकेला बुना जाएगा सिंगल और ये तीनों पिंक वाले फंदे एक साथ और ये एक स्टिच। फोर्थ रो है हमारी रॉन्ग साइड की और इस बार हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनकर पूरा कर लेते हैं। इस बार तो हमारे पास सिर्फ क्रीम कलर के फंदे हैं, पिंक हैं ही नहीं, तो सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बुन करके पूरा कर लेते हैं और इन्हीं चार लाइन के साथ हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला चार लाइन हम एक नए कलर के साथ बनाएंगे जगह को चेंज करके। पैटर्न हमारा सेम रहेगा, सिर्फ हमें जगह चेंज करके सिट करना है। ये देखिए, ये फोर्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें फिफ्थ रो की बुनाई करनी है यहाँ पर, और यहाँ पर अब हम नए कलर के साथ पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर मैं बैगनी पर्पल कलर का ऊन जोड़ रही हूँ। फिफ्थ रो राइट साइड, पहला फंदा आ जाए एज स्टिच हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, ये चार फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पहले हमने इस पर पैटर्न बना लिया है तो अब यहाँ पर उल्टे फंदे बुने जाएंगे, दो तीन चार। इन चार फंदों में से एक फंदा सीधा जैसे पिछली बार हमने बनाया था और इन दोनों फंदों में एक से तीन बनाएंगे एक नए कलर के साथ, एक दो तीन, एक दो तीन। देखिए हमारा जगह चेंज हो गया, ये वाला फंदा सीधा क्रीम कलर से और ये चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। फिर से एक फंदा सीधा और इन दोनों फंदों में से तीन तीन फंदे निकालने हैं। ये देखिए, एक दो तीन, एक दो तीन, एक फंदा सीधा और ये चार फंदे उल्टे। एक फंदा सीधा। सिक्स्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की है। इस बार हम सारे क्रीम कलर के फंदे उल्टे बुन लेंगे और पर्पल वाले फंदों को बिना बुने उतारते जाएंगे। देखिए, ये फंदे हमने नहीं बुनने हैं, सेम जैसे हमने पहली बार बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। ये फंदे बिना बुने उतार लेंगे और क्रीम कलर के सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे।
सेवेंथ रो है राइट साइड की, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, चार फंदे उल्टे, ऊन पीछे की तरफ। अब देखिए इन तीन फंदों को आगे कर लेंगे और ये एक फंदा पीछे चला जाएगा इस तरह से, ऐसे तीनों फंदे एक साथ, ये फंदा सिंगल, फिर से एक फंदा पीछे की तरफ से आगे लाएंगे और ये तीन फंदे पीछे चले जाएंगे। ये वाला फंदा पहले सिंपल सीधा बुन लेते हैं और ये तीन फंदे एक साथ बैक लूप से, है ना, कितना आसान सा पैटर्न। ये चार फंदे उल्टे, उन पीछे की तरफ, ये एक फंदा सीधा। अब हम इस फंदे को आगे लाएंगे और ये तीन फंदे पीछे चले जाएंगे, सीधा बुन लेंगे और ये तीन फंदे पीछे की तरफ से एक साथ, चार फंदे उल्टे, और ये एक सीधा। सेवेंथ रो हमारी कंप्लीट हो गई, आठवीं लाइन है हमारी रॉन्ग साइड की। इस बार हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे और इसी आठवीं लाइन के साथ हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये हमारी आठ लाइन पूरी हो गई और ये दो कलर के साथ हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। और कलर हम लगाकर आगे बुनेंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।